साथ हैं अमित कुमार और उनकी छोटी बिटिया मुक्तिका, जो साथ में एक एल्बम में एक गाना गाएंगे। ये एल्बम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक ट्रिब्यूट है किशोरदा को। तो बताइए, इससे जो कुमार परिवार है उसकी एक नई जर्नी शुरू होगी ऐसा सुनने में आया है, तो क्या बताएंगे क्या है ये? बिल्कुल आपने सही कहा, ये ट्रिब्यूट। यहाँ पे जो मेन गाना है बाबा मेरे, जो नाम है एल्बम का, ये दिस इज द लास्ट सॉन्ग, तो इसमें हमने ट्रिब्यूट ही दिया है फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। इसने मुझे बाबा मेरे करके एड्रेस करके, और ये गाना हमने पहली बार मैंने इसे गवाया, दोनों डुएट्स हमने की है। और ये कंपनी जो है कुमार ब्रदर्स म्यूजिक की, हम लॉन्च कर रहे हैं, इट्स लॉन्चिंग पैड। ये पहला एल्बम है अपना, 6 गाने हैं इसमें। और बाबा मेरे जो गाना है, ये जरूर एक तरह का एक कुछ खलबली तो मचेगी, मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू क्रिएट समथिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग, बहुत इमोशनल गाना संगीत है इसमें। हमने कोशिश की है, लीना जी ने लिखे हैं गाने, सब गाने लिखे हैं, और मुक्ति गाने गाया है पहली बार। ये 4 साल पहले मैंने जब सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैसे इसको करें, कैसे करें, मैंने जब धुने बनाने शुरू की तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इसको मैं इसको गवाऊं तो, रात को हम सोते थे तो लालूभाई के टाइम में, सोने के टाइम में लोरी जैसे मैं उनको मुक्तिका को गाना लल 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 करके सुनाया, तो उसको बायआउट हो गया एकदम, और जो रट लिया उसने, तो फिर मैंने लीना जी से कहा भी लिखो ये गाना। फिर उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा करें ऐसा करें, उसके शूज में जाके देखते कैसा होगा गाना, कैसे बनेगा। करते करते फिर मेरे दिमाग में एक सोच आया, क्योंकि बचपन से हम फिल्म देख के बड़े हुए हैं, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, सब देख के, तो मैं बोला यार बड़ा कैनवस है तो पिक्चर का होना चाहिए, अगर ये गाना सिचुएशनल गाना करें हम, व्हाई नॉट। तो हमने सोचा कि एक सपने का व्हाई नॉट, इफ दिस गर्ल बच्ची सपने में चले जाए, ड्रीम सीक्वेंस में जाके वो अपने दादाजी से मुलाकात करे और मैं उसे लेके जाता हूँ। तो ये है बाबा मेरे। कहने जाएंगे तो आपने इस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी पहले गाने से ही, शी इज डूइंग अ डुएट विथ यू, बट आई एम श्योर आपको ये भरोसा होगा कि ये एक टैलेंट है और टैलेंटेड परिवार से आए तो ये कर लेगी। इसमें टैलेंट है, ये मैं जरूर मानता हूँ टैलेंट है इसमें, क्योंकि उसने जिस तरीके से गाना, उसको बायहट हो गया था ट्यून, फिर मैंने उसको गाना सिखाया, 1 साल तक सिखाया। उसके बाद रिकॉर्डिंग के वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसी स्टूडियो में अपने बंगलों में, तब वो नर्वस हो गई थी, फिर वो गा नहीं पा रही थी, रो रही थी, विच इज गॉट नेचुरल, ओके, सबका होता है, हमारा भी हुआ है। फिर मेरे भाई ने कहा, सुमित बोले ऐसा मत करो, उसको छोड़ दो, अभी यू कांट एक्सपेक्ट हर टू बी एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, लिए अभी शुरू किया उसने, टेक लेट्स गिव हर सम टाइम, थोड़ा सा वक्त दो उसे, तुम जाओ, तुम यहां से निकल जाओ, मैं उससे, उसने मोल्ड किया उसको, उसने सिखाया, उसके बाद उसने गाना रिकॉर्ड किया, और बाद में जब हमने सुना यहाँ पे बैठ के, तो हमारे फैमिली में सब ही आके सुने, सब रोना शुरू किया, मतलब कि इतना अच्छा, जो मैं चाहता था एकदम सिंपल गाना, एकदम सिंपल वे में गाना, एकदम वो उसने दिया। मुक्तिका, आप कुछ कहना चाहेंगी, कैसा था वो एक्सपीरियंस गाना गाने का, और जब आपने सही में गाना सुना तो कैसा? बहुत अच्छा लगा और एक्साइटेड भी थी गाने के लिए, गाना शाय भी थी और नर्वस भी थी, थोड़ा बहुत नर्वसनेस था। अच्छा, इट्स गुड। और लेकिन तुमको चाचू ने बहुत हेल्प किया, उम्मीद ने बहुत हेल्प किया, पर पहले जब चाचू ने भी हेल्प किया तभी भी मैं रही थी एक बार दो या एक बार, उसके बाद आदत होगी तो गाने लग गई। तुमको क्या सिंगिंग स्टार बनना है अपने दादू के जैसा? हाँ।
अगर बनना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, विच यू विल डू आई नो, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने यही छोड़ दिया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कि यू हैव टू बी अ सिंगर। ये तो मैंने एक कोशिश की कि एक चलो एक लेगेसी आगे अगर चले तो इसमें क्या होगा, ये गाने से शायद अगर ये गाना हिट हुआ, इफ इट्स एक्सेप्टेड, तो नेचुरली इसमें एक ये कॉन्फिडेंस जागेगी का यस अरे आई एम एक्सेप्टेड, फिर शायद वो सीखेगी। मुक्त का मेरा नाम अब ही कि तुम मैं दीवानी सब ही कहते हैं गिंदा दू क्यों मैं निशानी आंखों पे मेरे विश्वास नहीं हो रहा है बाबा ने मेरे आखिर मुझको तुमसे मिला। नया लेबल है जिससे कुमार ब्रदर्स म्यूजिक ऑफकोर्स, उससे क्या आशाएं हैं और क्या करना चाहते हैं, किस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं उससे? मैं पहली बात तो ये है कि ये एक छोटी कंपनी अगर आप इसके साथ ये करें दूसरे बड़े बड़े कंपनीज के साथ, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग वी आर डूइंग कुमार ब्रदर्स म्यूजिक ऑनलाइन, तो इसमें माई मेन ऑब्जेक्ट विल बी टू ब्रिंग बैक मेलोडी हारमोनी एंड द लिरिकल वैल्यू। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज यहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर फिल्मों में मैं जाऊं तो प्रोड्यूसर का ये रहेगा, रिकॉर्डिंग कंपनी का ये रहेगा, यू नो, तो गाने का पूरा ही चेंज हो जाता है। यहां पे मैं खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं खुद हम लोग बैठ के धुन बना रहे हैं, हम लोग खुद ही आपस में ठीक कर रहे हैं, दिस इज तो अपना एक बैंक बना हुआ है पूरा। मेरा ऑलरेडी अबाउट 50 सॉन्ग्स इज रेडी, 50 सॉन्ग्स इज रेडी, उसमें कम से कम 10-15-20 गाने तो लिखे हुए हैं, रेडी है। ये 6 गाने मैं दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं इसका नतीजा क्या होता है। अगर नतीजा हिट्स द बुल्स आए फिर तो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। और टैलेंट को भी किसी तरह से प्रोत्साहित करना, उनको एक स्टेज प्रोवाइड करना, वो भी कहीं इरादा है? एकदम है, एकदम है। आगे चल के अगर ये मेरे अगर कुछ गाने आ जाए लोगों को, मेरे फैंस को, तो फिर मैं चाहूंगा कि आज के पीढ़ी के जो यंगस्टर्स हैं, जो बहुत मतलब अच्छे संगीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे फोक हो, शास्त्रीय संगीत हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, शोरगोल वाला गाना कम करे, अगर शोरगोल हो भी तो उसमें मीनिंग होनी चाहिए, गुड म्यूजिक, तो हम उसको जरूर ये करेंगे, यहाँ पे प्रमोट करेंगे। बाकी इट्स अ ट्रांसपेरेंट कंपनी, जो वॉट एवर दे आर मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। तो अभी देखते हैं, बाबा मेरे इज आई ओपनर फॉर मी, मेरे लिए ये है कि ये इट्स लाइक चलो देखते हैं। इसमें 6 गाने आप जब सुनेंगे, 6 गाने लिखे हैं लीना जी ने, लिखे 6 गाने। पहला गाना है हाँ मैं हूँ बदनाम, तो वो भी मेरा लाइन है, हाँ मैं हूँ बदनाम। तो मैंने उनसे कहा था लीना जी से लिखो, तो वो बोले क्यों बदनाम क्यों, हाँ मैं हूँ बदनाम लिखो, अब ट्यून में शी रोट। दूसरा गाना है पंथी करके। थर्ड सॉन्ग इज दिल का मेरे हाल तुम ना पूछो, द ओनली लाइव रिकॉर्डेड सॉन्ग इन द एल्बम। उसके बारे में कुछ बताइए। वो गाना देखिए, दिल का मेरे हाल तुम ना पूछो, कुछ वो एक ही गाना है जो लाइव रिकॉर्ड किया हमने, और जो होता नहीं है, जो आजकल बहुत कम होता होगा, शायद पिक्चरों में होते होंगे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो अफोर्ड जो कर सकते हो करते होंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, एवरीथिंग इज डन थ्रू टक 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 टक, ओके। बट इसमें दिल का मेरे हाल तुम ना पूछो इज द ओनली लाइव रिकॉर्डेड सॉन्ग जहां पे पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, अमित कुमार ने गाया है और फिर से कट हुआ है, फिर गा रहा हूं, फिर कट हुआ, फिर गा रहा हूं, करते करते ओके। ये मुझे वो दिनों, उन दिन पुराने दिन, पावा के दिन, रफी साहब के दिन, ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट, उनके सब वो दिन याद आते हैं वो गाना सुनने से। तो हमें भी थोड़ा सुनाइए गाना जरा सा। दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, धड़कता है अब तक दिल क्या ये कम है सोचो, तिनका हूँ मैं और ये जहाँ है सागर, डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ। भगवान सागर कितना
कोशिश यही लग रही है कि आप किसी तरह से जो इंडस्ट्री में या म्यूजिक वर्ल्ड में बोले जो मेलोडी मिसिंग है उसको एक रिवाइव करने की कोशिश है। आपको लगता है ये बहुत जरूरी है आज की दुनिया में? बहुत जरूरी है, जरूर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सिर्फ शोर सुनते हैं। नहीं, वो तो फिल्मों में सुनते हैं, ठीक है, फिल्म इज अ डिफरेंट जॉनर, फिल्म में मैं नहीं कर सकता, इट इज नॉट, बिकॉज वहां पे हर एक का ये रहता है जो मैंने बोला, कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। तो जो आपका एक गाना एक आप बनाएंगे जैसे दिल का मेरे, ये अगर कोई पिक्चर में दे तो चेंज हो जाएगा, वो अलग ही कर देंगे। तो इसीलिए केबीएम में देर इज नो इंटरफेरेंस, मैं बना रहा हूं, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरी टीम, एंड देन हम पेश कर रहे हैं, लेट द ऑडियंस डिसाइड वेदर इट्स गुड और वेदर इट्स बैड। रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा ऑनलाइन में? जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। जी यार, नहीं नहीं, amazon.in इज रिलीजिंग, वी आर रिलीजिंग, हम रिलीज कर रहे हैं 1200 सीडीज, नई कंपनी है, सीडीज हम दे रहे हैं, सीडी तो आजकल शेल्फ जैसा हो गया है, फिर भी हम रिलीज कर रहे हैं, amazon.in करेंगे, वहां से उनका शेयर लेके हमको देंगे जो बिकेगा, जितना भी बिकेगा, प्लस केबीएन अपना कुमार ब्रदर्स india.in विल ऑल्सो सेल द सीडीज, ऑडियो सीडीज, और savan.in इज गोइंग टू प्रमोट ऑल्सो बाय इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू द सॉन्ग्स। तो ये तीन चीज तो होने वाली है फ्रॉम 5th August ऑनवर्ड्स। ऑफकोर्स वो दिन भी आपने बहुत ही ऑस्पिशियस चूज किया है, 4th August किशोरदा का बर्थ एनिवर्सरी है। ऑफकोर्स उनके बारे में आज भी फैंस आके आपको क्या कहते हैं, या आपको क्या लगता है कि उनकी क्या बात थी जो उनके म्यूजिक को, उनकी हर एक अदा को टाइमलेस बना? उनकी बात बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको सरपास करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है ना होगा, ये तो बात सही है, अगर कोई डिबेट भी करे हार जाएगा, बिकॉज रिकॉर्ड सेज दैट यू हैव टू सी द रिकॉर्ड व्हाट ही डिड। मिली से अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। उनका एक था बहुत खुद ही बोलते थे अपने आप को, आई एम द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन, मतलब ये मूड अभी एक सोचा फट से चेंज हो गया, ये ऐसा ऐसा चलता था उनका, ये तो बहुत पहले एक फिल्म बनी थी दूर का राही, आपने सुना होगा, हाँ, आफ्टर दूर गगन की छाव में 1965 में उन्होंने शुरू की दूर का राही, जो उन्होंने डायरेक्ट की, और वो फिल्म 65 में शुरू की और रिलीज हुई फिल्म 71 में, क्यों पूछिए, क्योंकि फिल्म बिक नहीं रही थी, क्योंकि पिक्चर में गाना नाच गाना है नहीं, और सब बोलते थे कौन किशोर कुमार को कौन देखेगा सीरियस रोल में, कौन ये ऐसे करते करते, बट ही वॉज अ फाइटर। तो फिल्म जब हम शूटिंग में गए थे कश्मीर गए थे, कश्मीर से हम लोग वापस आ रहे थे दिल्ली, उस वक्त प्लेन से नहीं आए थे हम, मुझे याद है हम लोग गाड़ी से आ रहे थे जी। तो पूरा शूट करके हम वापस आ रहे हैं दिल्ली, जाते जाते तो लेफ्ट में एक रास्ता है तो वहां पर हरिद्वार लिखा हुआ था, तो अचानक उन्होंने गाड़ी रोको, तो कॉन्वॉय हुई, कैप्टन ऑफ द शिप, उन्होंने बोला गाड़ी रोको, हम गाड़ी रोक दिया, क्या हुआ, तो चलो हरिद्वार जाएंगे दर्शन करेंगे, लेकिन हमारा कुछ नहीं, चलो सब पूरे यूनिट को लेके गए, तो वहां से हरिद्वार चले गए, बोले चलो गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान हुआ सब हुआ, फिर उनको फिर वो बाजार में घूमने गए, जिसको क्या खरीदना है खरीदो सब, मतलब ही वॉज यू नो दैट, तो खरीद, तो एक जगह हम लोग गए तो खरीद रहे थे, तो एक बुढ़ी औरत बैठी थी बैठ के, वो होता है ना ये वेजिटेबल्स और ये तरकारी बैठी सब्जी, तो और दाल भी थी यहाँ पे, दाल वाल चावल बेच रही थी, तो पिताजी ने जाके बोला अरे माई ये क्या है, बोले ये साग है बेटा, बोला साग है ये, बोले ये आलू है बेटा यहाँ का आलू, अच्छा ये क्या है, बोले ये मसूर की दाल है बेटा, मसूर की दाल, मसूरी चलते, तो मसूर की दाल से मसूरी,
एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा बाबा मेरे कितना बता दो भगवान का घर कितना है दूर। ये जो लेगेसी है उनकी वो एक तरह से कंटिन्यू होगी और आगे बढ़ेगी बाबा मेरे से, तो पिता और बेटी के साथ एक गाना हो जाए तो अच्छा एंडिंग होगा जी। बाबा मेरे इतना बता दो भगवान का घर कितना है दूर, क्या जानते हो उसका पता तुम, मोबाइल नंबर तो होगा जरूर, रोज रात को जागते सोते हुए सोचती हूँ जो भी जाए वहाँ कभी लौट के आता नहीं क्यों, बर्थडे में मेरे इस बार कोई तोहफा न लाना, बस एक ही बार मेरे दादू से मुझको मिलाना, ओ मुक्ति का चल तुझे लेके चलू मैं वहाँ दूर गगन में कहीं, सोचो तो कौन है वहाँ। ये गाना शुरू हो गया, ये जर्नी एंड वहाँ पे जाके हम उसे मिलते हैं वेर बाबा आते हैं किशोर कुमार जो कि एंड ब्लेसिंग करते हैं, तो ये ड्रीम सीक्वेंस है। थैंक यू, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया ये सुन के। ऑफकोर्स हमको पता है कि जब ये रिलीज होगा लोग देख के सुन के खूब पसंद करेंगे और वाह वाह करेंगे। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू।